दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पर किसान सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद रैली निकालकर ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। इस आंदोलन की पूरी कमान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पहले ही संभाल रखी है, जो विगत दिनों गुना आकर कांग्रेसजनों की बैठक लेकर तैयारियों की रूपरेखा भी बना चुके हैं। आज सुबह से स्थानीय लक्ष्मीगंज में आयोजित सभा स्थल पर कांग्रेसजनों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं मंच के पीछे एलईडी पर किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई वीडियो एवं कांग्रेस नेताओं से इस संदर्भ में दिए गए बयानों को दिखाया गया। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य चार पहिया वाहनों से कांग्रेसजनों व कांग्रेस किसानों को लेकर चाचौड़ा से सभा स्थल पर पहुंचे। वहीं भरसूला चौराहे और उठियाई में पूर्व मंत्री व राजतुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन व ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कांग्रेसजन और किसानों की रैली शुरू हुई। वहीं कांग्रेस के झंडों के साथ निकाली इस वाहन रैली की रैली को रास्ते भर लोगों ने सराहा। लक्ष्मीगंज में आयोजित सभा में विधायक लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह सहित कांग्रेस ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों का खत्म करने की बात कही। आपकी लड़ाई आज से शुरू हुई है और तब तक जारी रहेगी जब तक ये काला कानून मोदी वापस नहीं लेता है। धन्यवाद आप सबको। अब जरा गाना में आपकी जो पुकार होगी हम उस पुकार को बुलंद करेंगे, चाहे वो पुकार बुलंद करनी होगी गुना जिले में, चाहे भोपाल की विधानसभा में या फिर दिल्ली के संसद में भी। विष्णु भाई साहब ने बहुत सही बात कही थी कि अब सिर्फ प्योर कांग्रेसी बाकी है। उसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में प्योर का हिंदी का अर्थ होता है शुद्ध। अब सिर्फ शुद्ध कांग्रेसी बाकी है। वहीं ये किसान बिल किसान विरोधी है ये भी बताया। हार्ट रोड पर भी सभा का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस की रैली शुरू हुई जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसजन और किसान मौजूद रहे। आप सबको विदित है में देश का अन्नदाता, देश को अन्न देने वाला किसान अपनी जायज मांगे केंद्र सरकार द्वारा पारित उन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ जो किसान को बंधुआ मजदूर कर देगी, किसान को सड़कों पर ला देगी, खुद की जमीन पर अपना अन्न होने वाला देश और विदेश को अन्न देने वाला हमारा किसान आज अपनी देश की लड़ाई। तो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट भवन पहुंची और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। हेलो। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि लक्ष्मण सिंह ने ट्रैक्टर चलाया और साथ ही उनके साथ बैठे थे उनके भतीजे और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह। किसान बिल को लेकर उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई ऐसी बातें कही कि जिस पर लोगों ने ठहाका लगाकर हंसा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन भी मौजूद रहे।